हमारे बीच में कुछ मेहमान मौजूद हैं, मैं चाहूँगा कि उनका इस्तकबाल किया जाए। मैं गुजारिश करूँगा शहजाद खान साहब, जो कि मुमरा शहर के सोशल वर्कर हैं, अपनी मैनेजमेंट टीम से कि आपका इस्तकबाल करें। मौलाना अब्दुल अहद साहब हमारे बीच में मौजूद हैं, मैं गुजारिश करूँगा अपने मैनेजमेंट टीम से कि आप दोनों हजरात का बुके दे करके इस्तकबाल करें। Now our next program is a drama, Main Joru Ka Gulam. It's a comedy drama that humorously depicts the concept of men being dominant over a woman. It reminds us that men should not control or oppress women, and women should also live harmoniously with him. The play aims to entertain while promoting mutual respect and understanding between gender. So, get ready to laugh your heart out. कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि मौसम बदलने वाला है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपके होठों पर मुस्कुराहट लाने के लिए पेश करते हैं कॉमेडी ड्रामा। इनसे मिलिए, ये है मिस्टर चुलबुले, जो रहते हैं अपनी बेगम से डरे डरे। बेगम की हर बात सुनते हैं वो, अगर वो दिन को रात कहे तो वो तारे भी गिनते हैं, मगर थोड़े चंचल भी है, कभी कभी तो बेगम को भी बेवकूफ बना देते हैं। देखिए बेचारे अभी भी अपनी बेगम की खिदमत में लगे हुए हैं और बेगम के पैर दबा रहे हैं। बेगम, वो मैं कह रहा था कि तुम कितनी स्टूपिड हो। अच्छा स्टूपिड का मतलब अकलमंद होता है। हाँ हाँ पता है। आपको पता है मेरी तो अम्मी भी बहुत स्टूपिड है, मेरे तो अब्बा भी बहुत स्टूपिड है। वैसे तो माशाल्लाह से हमारा तो पूरा का पूरा खानदान ही स्टूपिड है। माशाल्लाह माशाल्लाह, इसलिए तो हम आपकी इतनी कद्र करते हैं। अगर माँ के पैरों की जगह बेगम के पैरों के नीचे जन्नत होती तो हम यकीनन जन्नती होते। इसी बात पर आप मेरे बारे में दो बातें कहोगे, जिसमें से एक सुनकर मैं खुश हो जाऊं और दूसरी सुनकर मैं नाराज हो जाऊं। अच्छा तो फिर सुनो, तुम मेरी जिंदगी हो। अरे आप भी ना। और दूसरी बात तो सुनो। वो क्या? अरे लानत है ऐसी जिंदगी पर। अरे बाप रे, हड्डी टूट गई। तुमने मुझे लात मजाक में मारी या गुस्से में? गुस्से में। अच्छा है, वरना इस किस्म का मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ ठीक है, जाओ जाकर खाना लाओ। सारे मर्द हजरात रिलेट कर सकते हैं। अरे क्या हुआ, कहाँ रहेगा ये मर्द? क्या या आप मुझे भी भूखा ही मारोगे? जी बेगम ला रहा हूँ। जी हाँ बोलो। मेरे लिए एक शेर बोलो ना। हाँ जरूर जरूर। कभी रोटी के टुकड़ों में, कभी सालन के प्यालों में, कभी रोटी के टुकड़ों में, कभी सालन के प्यालों में, तुम्हारी जुल्फ का दीदार होता है बेगम हर एक निगाले में। कैसा लगा मेरा मजाक? अरे क्या हुआ, हम शेर का शिकार करने गए थे। तो क्या हुआ, भागकर क्यों आ गए? डर गए क्या शेर से? अरे नहीं, वो साला कुत्ता भौंक रहा है बाहर। वाह वाह माशाल्लाह माशाल्लाह, देखा आप सब लोगों ने कितना बहादुर बेटा है मेरा। शेर का शिकार करने गया था, वो अलग बात है, कुत्ते से डर गया। मेरा बेटा मेरी तरह दिलेर है। नहीं नहीं अम्मी, मैं अब्बा की तरह दिलेर बनूंगा, मैं भी अपनी बीवी के अलावा किसी से नहीं डरूंगा। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। अरे बेटा ये तुम क्या कह रहे हो, तुम अपनी बीवी से डरोगे? जी हाँ अम्मी, इसमें हम सबका फायदा है, आपका बेटा करोड़पति बनने जा रहा है। करोड़पति? जी हाँ अप्पू, आप तो फ्री में अम्मी के गुलाम बने फिरते हैं, लेकिन मैं
पेपर में ऐड आई है, 1 करोड़पति बाप की इकलौती बेटी के लिए ऐसे रिश्ते की जरूरत है जो अपनी बीवी के इशारों पे चलने वाला हो, बीवी के रिश्तेदारों की इज्जत करने वाला हो और अपने रिश्तेदारों से ला ताल्लुक रखने वाला हो, बेहतरीन कुकिंग करने वाला हो, क्योंकि हमारी बेटी को नौकरों के हाथ का खाना बिल्कुल पसंद नहीं और हमारी बेटी अपनी BMW कार के लिए ड्राइवर भी पसंद नहीं करती है, इसके लिए लड़के को ड्राइविंग भी आनी जरूरी है और हमारी बेटी को सास की कोई जरूरत नहीं, खुदा ना खौफता सास हो भी तो अपने बेटे की तरह मुंह बंद और आंखें खुली रखने वाली हो। वाह वाह बेटा, ये तो बहुत बढ़िया रिश्ता है। मगर बेटा तुम कुछ नहीं कहोगी, पता है ना हमारी बहू को मुंह बंद और आंखें खुली रखने वाली सास चाहिए। बहू लेके गई है, अभी आगे का सीन आपके सामने आने वाला है। दोनों बेटियां टेरेस पर खड़ी हैं। लड़कियों का दिमाग भी उनकी माँ की ही तरह है, आसमान में चांद निकल आया और वो सूरज समझ रही है। वो देखो सूरज कितना लाल हो गया है, बिल्कुल चांद नजर आ रहा है। मैं नहीं मानता। हाँ पूरा चांद ही नजर आ रहा है। छोटी बच्ची हो क्या? अरे बेवकूफो, सूरज तो कब का डूब गया, ये चांद ही है। मैं अभी मगरिब की नमाज पढ़ के आ रहा हूँ। नहीं अब्बू, ये सूरज है। अरे बोला ना चांद है। अरे क्या हुआ, किस बात पर बहस हो रही है? अम्मी देखिए ना, ये सूरज है, अब्बा इसे चांद कह रहे हैं। हाँ हाँ ये तो सूरज ही है। अरे वही तो मैं कह रहा था, ये सूरज ही है, ये लोग सुनते ही नहीं है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। अब्बू आप पलट गए अम्मी को देखकर। अरे नहीं नहीं बोला ना सूरज है। मगर अब्बू। अरे नहीं, वाह क्या बेहतरीन सूरज है। अच्छा चलो अब नीचे चलते हैं। क्या बीबी मिली यार हो, दीवाना बना डाली, दीवाना बना डाली घरदार लुटा डाली, दीवाना बना डाली घरदार लुटा डाली। क्या बीबी मिली यार हो, दीवाना बना डाली। अजी सुनते हो, कहाँ रह गए आप? ये बर्तन कब धोगे? हाँ आया बेगम। क्या बीबी मिली यार हो, दीवाना बना डाली, दीवाना बना डाली घरदार लुटा डाली, दीवाना बना। अरमान सर घर जाना है नहीं जाना है? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो साले मेरे? कौन है? अम्मी दीदी का काम वाला आया है। ओ सॉरी भाईजान है। बहुत तेज हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कहिए क्या हाल है? अरे अपनी मुसीबत मेरे सर डाल के कहते हो, क्या हाल है? डिफेक्टिव पीस है, वापस ले लो। अरे ऐसे कैसे वापस ले ले, दिया हुआ माल वापस लिया जाता है क्या? बात तो सही है। अच्छा ये बताइए, आपके लिए कद्दू शरीफ पकाऊं, बैंगन शरीफ या आलू शरीफ? अरे इतनी मुकद्दस सब्जियां, मुझ जैसे गुनहगार को जेब नहीं देती। एक काम कीजिए, आप मेरे लिए एक बेगैर सा मुर्गा पका दीजिए। दूसरे मुर्गे को खाने की बात कर रहा है, गजब बेइज्जती है। खैर दामाद जी वो सब छोड़िए, अगर आपका अगला जन्म होता तो आप क्या बनना पसंद करते? जी छिपकली। छिपकली? क्योंकि आपकी बेटी सबसे ज्यादा छिपकली से डरती है। अच्छा दामाद जी आपने बताया नहीं कि आप दारू भी पीते हैं। अरे आपने भी तो नहीं बताया कि आपकी बेटी खून भी पीती है। साइक,
That's the wrong number. वैसे आपके अब्बा हुजूर कहाँ हैं? जिंजे, वो किचन के अलावा और कहाँ रह सकते हैं? अच्छा, तो मैं उनके पास जाकर कुछ रेसिपी सीख आता हूँ। वैसे भी तुम्हारी बहन को मेरे हाथ का खाना कुछ खास पसंद नहीं। अरे, आप यहाँ बिना बताए आ गए? खत्म। घर में इतने काम। बाय बाय। टाटा। गुड बाय। गया। अरे बेगम। सॉरी बेगम। अरे बेगम सॉरी 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 बेगम। सॉरी माफ कर दो। अरे अरे अरे। प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। दीज वर द स्टूडेंट्स ऑफ मुमरा गर्ल्स। We're presenting the comedy drama. ये तो था हमारा कॉमेडी ड्रामा जो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए था। असल जिंदगी जिसका कोई वास्ता नहीं। असल जिंदगी में हमें कुरान में हदीस को फॉलो करना है। इरशाद बारी ताला है और रिजालु कवामूना अलन निसाई। अल्लाह ताला ने मर्दों को औरतों पर हुक्मरान बनाया है, इसीलिए हर घर में सिर्फ मर्दों की हुक्मरानी होनी चाहिए, क्योंकि जहां औरतों की हुक्मरानी होती है वहां समाज में मर्दों को इज्जत की नज़र से नहीं देखा जाता है और इससे फरमान इलाही की बिना फरमानी होती है और हमें इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि मर्दों को औरतों पर जुल्म करना चाहिए, बल्कि ये कहती हूँ कि दरमियाने रविश इख्तियार करना चाहिए और औरतों को भी मर्दों की इज्जत करनी चाहिए और उनके ताबे रहना चाहिए। अब आपसे विदा लेते हैं, इंशाअल्लाह अगले साल मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच्चों, आप नहीं जानते हो किस किस की जिंदगी की असल हकीकत है ये। माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस दैट डेफिनेटली डिजर्व अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। यहां पे